हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ, एंड मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे आशीष चंचलानी सर से मिली एंड मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो वो पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे और भी कुछ बातें हैं जो शेयर करनी है, ताकि जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे ये बात आप रिलेट कर पाओ। आशीष चंचलानी सर लेते हैं उल्लासनगर में, एंड मैं रहती हूँ कल्याण में। तो जो घर का डिस्टेंस है या पर्टिकुलर एरिया का जो डिस्टेंस है वो काफी कम है। 15-20 मिनट्स में मैं कल्याण से उल्लासनगर जा सकती हूँ। आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे घर से आशीष सर जो है ज्यादा दूर रहते नहीं है, बट स्टिल मुझे अब जाके मौका मिला सर से मिलने का। एंड आप सबको तो पता ही होगा कि कितनी ज्यादा उनकी फैन फॉलोइंग है, लोग उनको कितना फॉलो करते हैं एंड उनके कंटेंट को लोग कितना पसंद करते हैं। मेरे पापा फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं एंड वो उल्लासनगर में जॉब करते थे जिम में, जहां पे वो पर्सनल ट्रेनिंग देते थे। तो आशीष सर के जो पापा है अनिल सर, वो मेरे पापा से पर्सनल ट्रेनिंग लेते थे एंड दोनों काफी अच्छा एक बॉन्ड भी शेयर करते थे। एंड कुछ टाइम बाद मेरे पापा ने आशीष सर को भी कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग दी थी। तो जब हम लोग ने वीडियोस देखना स्टार्ट किया आशीष चंचलानी सर का, तो मेरे भाई ने मुझे बताया कि ये वीडियो देखो, ये बहुत कॉमेडी वीडियो है, फनी वीडियो है इनका, देखो। और मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट किया, तो मैंने आशीष सर की वीडियो जो है अपने पापा को दिखाई कि ये वीडियो देखो, ये काफी फनी वीडियो है, आपको देखना चाहिए, आपको पसंद आएगा। तब मेरे पापा ने मुझे शेयर किया कि अरे ये तो आशीष चंचलानी है जिसको मैंने ट्रेनिंग दी है। तो तभी तो मैं सुन के एकदम शॉक हो गई, बोला अच्छा आपने इनको ट्रेनिंग दी है एक टाइम पे। तो अपन ने बोला यस, मैंने उनको ट्रेनिंग दी है। और ऐसा था कि जब एक बार मैंने आशीष सर के वीडियोस देखना चालू किए तो फिर मैं कोई वीडियो मिस नहीं करती थी, मैं वीडियोस देखती थी। एंड एक बार ऐसा भी था कि आपको पता ही होगा कि अनिल सर का खुद का थिएटर है अशोक अनिल मल्टीप्लेक्स, जहां पे रिसेंटली रोहित शेट्टी सर भी आए थे। तो पार्टनर मूवी लगी थी एंड उस टाइम पर तो मैं तो काफी छोटी थी, और हम लोग गए थे अशोक अनिल मल्टीप्लेक्स में ही वो मूवी देखने। एंड उस टाइम पे मेरे पापा जो है अनिल सर को पर्सनल ट्रेनिंग देते थे, और ऐसा हुआ था कि पिक्चर पूरी हाउसफुल हो चुकी थी, सीट्स अवेलेबल नहीं थे। तो मेरे पापा ने अनिल सर को कॉल किया, किड्स नहीं है, कुछ अरेंजमेंट हो सकता है, या फिर आज टिकट मिल पाएगी कि नहीं, कि नेक्स्ट डे आना पड़ेगा। अनिल सर ने हम लोग को अपने ऑफिस बुलाया, टिकट्स अरेंज किए, एंड फिर हमने वो मूवी पार्टनर फिर फैमिली के साथ देखी थी। एंड एक बार ऐसा भी हो चुका है कि हम लोग एवेंजर्स एंड गेम मूवी देखने गए थे, एंड उस टाइम पे अनिल सर हमको मिले थे वहां पे, एंड वो बहुत अच्छी तरीके से मेरे पापा से ग्रीट किए थे, मुझसे और मेरे भाई से भी बहुत हम्बल वे में, बहुत सही तरीके से वो मिले थे। तो वो एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, क्योंकि जब हम एवेंजर एंड गेम के टाइम पे उनसे मिले थे, तब मेरे पापा को वहां उल्लासनगर से जॉब छोड़ के काफी टाइम हो चुका था। तो एक लंबे टाइम के बाद जब वो मेरे पापा से मिले, तो उन्होंने काफी अच्छे तरीके से ग्रीट किया था, एंड उस टाइम पे आशीष सर जो थे बहुत फेमस हो चुके थे। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, एंड एक मेरे फादर को लेके भी एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। मुझे ऐसा था कि यार आशीष सर उल्लासनगर में ही रहते हैं, तो कभी ना कभी तो मिलना जुलना हो पाएगा यार, एक बार तो उनसे मिलना है, एक बार तो उनसे बात करना है, मुझे बताना है कि मेरे पापा को ट्रेनिंग दे चुके हैं, मतलब एक बार तो उनको बोलना था। एक स्ट्रांग फीलिंग था कि कभी ना कभी मेरा आशीष सर से मुलाकात हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अशोक अनिल मल्टीप्लेक्स से जाते हैं मूवी देखने, तो कभी ना कभी तो वो आएंगे और मिलना जुलना हो जाएगा। तो मेरे भाई ने टिकट बुक की थी सूर्यवंशी की, 5 नवंबर को हम लोग गए थे, एंड 7 बजे का शो था, हम लोग अशोक अनिल मल्टीप्लेक्स में ही गए थे। और वहां पे जब हम लोग मूवी देख रहे थे, और उसी टाइम पे जब मूवी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो आशीष सर की सिस्टर हमको दिखी, जहां पे थिएटर का स्क्रीन था वहां पे वो आई थी, और एक नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग वो शायद कर रही थी, वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर फोटो खींच रही थी, मुझे सही से पता नहीं। तो मेरे भाई ने मुझे बोला कि ये आशीष सर की सिस्टर है, तो मैंने उनकी सिस्टर को देखा। एंड जब हम लोग मूवी देख रहे थे, तो उस टाइम पे मुझे एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि शायद आशीष सर से मिलना हो सकता है, बट फिर मैंने उस चीज को इतना दिमाग में लिया नहीं, एंड मैं अपना मूवी वगैरह एंजॉय कर रही थी। एंड में सॉन्ग स्टार्ट हुआ था अयला रे अयला, वो बहुत से लोग नहीं सुन रहे थे और निकल रहे थे, लेकिन मैं और मेरा भाई बैठे हुए थे कि भाई हम लोग तो गाना पूरा सुन के जाएंगे। और जब हम लोग गाना पूरा सुन के जा रहे थे, गाना एंड हो चुका है, हम लोग उठ के बाहर निकल रहे हैं, तभी मेरे भाई ने बोला अरे दीदी देखो आशीष चंचलानी। मैंने बोला कहाँ पे, और मैंने ऐसे साइड होके देखा, तो देखा कि हाँ आशीष सर मेरे को वहां पे दिखे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एग्जिट ले लिया, फिर अचानक से मुझे ऐसा है कि यार चलो जाके बात करके आते हैं सर से। और फिर मेरे भाई ने बोला कि चलना है, मैंने बोला हाँ चलो यार जाके बात करके आते हैं सर से। एंड मैं उनके पास गई फटफट, मतलब ज्यादा डिस्टेंस नहीं था एग्जिट से और जहां पे वो खड़े थे, मैं वापस गई उनके पास गई और मैंने बोला सर सर सर, तो वो एकदम रुक गए एंड उन्होंने बोला यस। तो फिर मैंने मतलब कोई भी, मतलब एक तो बेवकूफी वाला काम किया, कोई भी उनसे मिलेगा तो बोलेगा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, लेकिन मैंने टोटली अपोजिट बात की, मैंने सीधा
एक साल से फटाफट उनको बोला कि मुझे आपको एक बात बोलनी थी एंड ये काफी टाइम से मैंने सोच कर रखा था कि मुझे आपको बोलना है। मैंने आपको डीएम भी किया था और ये बात सच है कि मैंने उनको डीएम किया था, लेकिन बाद में मैंने वो डीएम जो है वो अनसेंड कर दिया था। तो मैंने उनको यही बोला कि मुझे आपसे एक बात बोलनी थी और मैंने आपको ये चीज़ डीएम भी की थी, लेकिन फिर आपका रिप्लाई आया नहीं तो मैंने बाद में डीएम अनसेंड भी कर दिया। मेरे पापा ने बोला है कि एक टाइम पर उन्होंने आपको ट्रेनिंग दी थी, तो क्या ये बात सच है? तो फिर मैंने अपने पापा का नाम बताया, पंकज सिंह करके। तो आशीष सर से सोच रहे थे कि पंकज सर, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे पंकज सिंह या फिर पंकज नाम के लोग हो सकते हैं। तो मैंने उनको जिम का नाम बताया कि जहाँ पे वो ट्रेनिंग देते थे। तो मेरे पापा का उस टाइम पे खुद का जिम था, एज जिम। तो मैंने बोला कि सर एज जिम। तो आशीष सर ने बोला यस यस यस, मुझे याद आया। और उन्होंने फिर सीधा मुझे पूछा कि तो तुम उनकी? तो मैंने बोला यस, मैं उनकी डॉटर हूँ। तो उन्होंने बोला कि तो पापा कैसे हैं? तो मैंने बोला कि पापा बहुत अच्छे हैं। और फिर मैंने सर को बोला सर एक फोटो क्लिक कर लें। तो फिर सर के साथ मैंने एक फोटो क्लिक की एंड उसके बाद सर किसी और से मिल रहे थे। तभी बाद में जब वो फ्री हुए तो मैंने बोला कि सर ही इज माई ब्रदर। तो उन्होंने मुझे बोला तब तो फिर सब लोग जिम करते होंगे। मैंने बोला हाँ हाँ सर, हमारे घर में सब लोग जिम करते हैं। एंड उसके बाद उन्होंने मेरे भाई के साथ ही फोटोज वगैरह क्लिक किए और जाते जाते उन्होंने मतलब हैंड शेक किया और हैप्पी दिवाली बोला एंड वो निकल ही रहे थे। फिर उन्होंने टर्न होके उन्होंने मुझे बोला कि पापा को बोलना हैप्पी दिवाली। एंड ये जो चीज़ था ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे ये अच्छा लगा कि यार मतलब उनको याद है कि मेरे पापा ने उनको ट्रेनिंग दी है एक टाइम पे, तो उनको ये चीज़ याद है। और अगर मैं बोलूँ कि ये फैन मोमेंट था, तो ये बहुत अच्छा फैन मोमेंट था, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा गेस्चर उनके थ्रू मुझे मिलेगा। बहुत ही हम्बल थे, बहुत सही तरीके से वो मुझे मिले। उन्होंने अपना अच्छा खासा एक टाइम मुझे दिया, मुझे बहुत सही से बात किए। एंड जो एंड में उन्होंने बोला ना जाते जाते कि अपने पापा को बोलना हैप्पी दिवाली, तो मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड जैसे ही मैं वहाँ से निकली, फटाक से मैंने पापा को कॉल किया कि हेलो पापा, मैं आशीष चंचलानी से मिलकर आ रही हूँ, मैंने आपके बारे में बात किया और उन्होंने बोला है कि आप कैसे हो और आपको हैप्पी दिवाली विश किया है। तो मतलब ये जो मोमेंट था ना, ये बहुत अच्छा मोमेंट था। एंड एक दो दिन तक तो मेरे से हजम ही नहीं हो पा रहा था कि मैं आशीष सर से मिलकर आ रही हूँ। मतलब एक बहुत ही अच्छा, एक तरह से मैं बोल सकती हूँ कि अचीवमेंट गिन लो मेरा या फिर प्राउड मोमेंट में से एक, फैन मोमेंट से एक, जो भी था, ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था। एंड सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट मैं करना चाहूँगी आशीष सर को कि जिस तरीके से उन्होंने ग्रीट किया, जो हम्बल नेचर उन्होंने दिखाया, जो उन्होंने अपने एक टाइम मुझे दिया बात करने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड आशीष सर, अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी है तो मैंने घर पे सब कुछ बताया है एंड घर पे पापा बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है कि आप जिस तरीके से मुझसे और मेरे भाई से मिले हो। एंड आशीष सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच इतना सही तरीके से ग्रीट करने के लिए, इतना अच्छा टाइम देने के लिए एंड एक अच्छा सा स्वीट मेमोरी क्रिएट करने के लिए। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है मैंने वीडियो बना दिया है कि मेरे को व्यूज़ मिल जाएं या फिर शो ऑफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था एंड अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस अपने शेयर करूँ एंड ये वीडियो एज अ मेमोरी भी मेरे पास सेव रहेगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।